मुझे कर्जा चुकाना है, ऐसा मत कीजिए, पैसे खर्च मत कीजिए। अरे उसका कर्जा बाद में चुकाना, पूरा प्रेसिडेंट साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रेसिडेंट, उसके आगे पीछे घूमते हो, इसलिए मुझे कर्जा लेना पड़ता है। उसके मुंह में कीड़े पड़े तो मेरा परिवार उजाड़ रहा है। मुझे जो कहना कह ले, प्रेसिडेंट हमारा भगवान है, उनके बारे में कुछ भी बोलो ना, जान ले लूंगा। पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। सारे पेपर ठीक से चेक करो। कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे। कागज दिखाओ। नहीं है सर। सर इसके पास कुछ नहीं है। क्यों रे, पेपर्स कहाँ हैं? नागेश उसके पास है क्या? इनके पास भी कुछ नहीं है सर। क्या लेके जा रहे हो? छोड़िए ना सर, ये रख लीजिए। रिश्वत दे रहा है तो? चल गाड़ी साइड में लगा, जल्दी जल्दी, मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग यहीं रुको। अरे नागाराजू। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। कैसा है? अच्छा हूँ। पर तेरे भाई का तरीका अच्छा नहीं है। अरे तुम लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, उससे किससे कैसे बात करनी है जरा सिखाओ, नहीं तो कहीं दिखेगा भी नहीं। वो ऐसा ही है, मैं समझाता हूँ उसे। और वैसे भी तू ना, जब देखो जंगल में ड्यूटी करता रहता है, कभी कभी गाँव में भी दिखाई दिया कर, लोगों को पता तो चले कि तू जिंदा है। ठीक है। जा 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 ड्यूटी कर। नमस्ते। चल रे। कभी तो मुझ पर भी दया दिखाइए प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं तरस रहा। अरे अपनी बकवास बंद कर, वरना भगवान को तेरी नजर लग जाएगी। अरे मेरी नजर क्यों लगेगी, मैं तो इनका भक्त हूँ ना, मेरी नजर नहीं लगेगी। हाँ ठीक है, घर में थोड़ा भी पानी नहीं है बेटा, जाके हैंडपंप से थोड़ा पानी लेकर आना। माँ वो हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं है माँ, बचपन से वही पानी पिया है तूने। ये बात है? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा काला काला हो गया हूँ। ये ले पकड़। हाँ? चल जा। ठीक है माँ। शंकर पानी लेने के लिए आए हो क्या? हाँ नहीं नहीं, बोरिंग पंप में अमृत भरा है, वो लेने के लिए आया हूँ। ऐसे की बात कर रहे हो? तेरी बातें भी कुछ कम है क्या? एक बात बताओ, इस साड़ी में बहुत कमाल लग रही है। हाँ? क्या बात है, शर्मा रही है? डांस वांस करने का इरादा है क्या? बाप रे, इसके इरादे तो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। बर्तन भूले ना। कैसा लगा? क्या? अरे नहीं, उस दिन तुम वहाँ मेले में गए थे ना, वहाँ कैसा लगा ये पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा। देख रहे हो ये घड़ा भर गया या नहीं, ये देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। अब जो देखना था देख लिया, अब घर जाओ। नहीं नहीं, मैं पूरा देख कर ही जाऊंगा, तुम चलो। दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पिताजी पिताजी, मुंह बंद कर, पूरे गांव में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रही है। जब आपको पता चल गया है तो मैं आपको बता ही दूं कि शंकर मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं उसे इस घर में एक कदम तक ना रखने दूं, पर मैं तेरी शादी उसके साथ करूंगा, कैसे सोच लिया तूने? पिताजी आप मानेंगे तब भी उसे शादी करूंगी और नहीं मानेंगे तब भी उसे शादी करूंगी। अब आप देखिए मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं। पार्वती पार्वती, अरे क्या हुआ, ऊपर क्यों बैठी हो, नीचे सिग्नल नहीं पकड़ रहा है क्या? अरे बेवकूफ, ऊपर मरने के लिए चढ़ी हूं, समझ गया? ए पार्वती नीचे उतर, नहीं तो मार डालूंगा। अरे वो मरने के लिए ही तो चढ़ी है ना, फिर मारने की बात क्यों कर रहे हो? शंकर तो अच्छा लड़का है, शादी करवा दो दोनों की। वो बंद कर अपना, तू नीचे उतर। पहले आप मेरी और शंकर की शादी के लिए हाँ कहिए। पार्वती नीचे आ जा। उतर जा बेटी, सोचते हैं कुछ। अरे जल्दी, क्या हुआ मामा जी? तुझसे शादी के लिए मैनेजर ने मना किया इसलिए ऊपर चढ़ गई है।
ए पार्वती नीचे उतर। जब तक पिताजी हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तब तक नहीं उतरूंगी। ये ऐसी हरकत सब तेरी वजह से करती है, नीचे आने के लिए बोल उसको। तेरी तो आ रहा हूँ, रुक बताता हूँ तुझे। अरे मैं कहाँ फंस गया, तुम भी नहीं करूंगा तो तू मर जाएगी, ऐसा बोल रही है। आजा आजा। अरे हाथ दे। ए पार्वती ये सब क्या नाटक है? इमली खा रही हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? वहाँ नीचे तेरे माँ बाप रो रहे हैं और तू यहाँ इमली खा रही है, चल उतर। अभी सबके सामने मंगलसूत्र पहनाओगे तभी उतरूंगी यहाँ से। चल उतर। संभालिए इसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, और इस पर जरा नजर रखना। एक बार बचाने से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी भर बचाने वाला चाहिए।